हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान का जन्मदिन है। गौरी खान पर्दे पर भले ही अभिनय करती दिखाई दी हो, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। बॉलीवुड में शाहरुख खान और गौरी की प्रेम कहानी बेमिसाल रही है। अगर बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत कपल का खिताब किसी को दिया जाए तो इस किताब के लिए शाहरुख और गौरी के नाम से बेहतर कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। दोनों की शादी को करीब 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो, लेकिन इस जोड़ी को एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार एक दूसरे से शादी करनी पड़ी थी। शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी जैसी ही थी। दोनों ने एक दूसरे को पाने के लिए खूब पापड़ बेले और आखिरकार प्यार की जीत हुई। दोनों की पहली मुलाकात 1984 में एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी के दौरान हुई थी। तब शाहरुख सिर्फ 18 साल के थे। शाहरुख ने देखा कि पार्टी में गौरी किसी और लड़की के साथ डांस कर रही है। शाहरुख को वो पसंद आई। गौरी डांस करने में शर्मा रही थी। शाहरुख ने हिम्मत जुटाई और गौरी को डांस के लिए पूछा, लेकिन गौरी ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। इतना सुनते ही शाहरुख खान के सारे सपने चकनाचूर हो गए। असलियत तो ये थी कि गौरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, गौरी का भाई उनके साथ था, इसलिए उन्होंने झूठ बोला था। ये बात शाहरुख ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। जब शाहरुख को इस बात का पता चला तो उन्होंने गौरी से जाकर कहा, मुझे भी अपना भाई समझो। तभी से एक खूबसूरत रिश्ता शुरू हो गया। गौरी को भी शाहरुख का स्टाइल और उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। शाहरुख गौरी के लिए काफी पॉजिटिव रहते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि गौरी अपने बालों को खुला रखे या अकेले में किसी लड़के से बात करे। ये सब देखकर गौरी को लगने लगा कि उन्हें इस रिलेशन से ब्रेक लेना चाहिए। एक दिन जब गौरी शाहरुख खान के घर पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तो वो उन्हें बिना बताए दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन चली गई। तब शाहरुख को एहसास हुआ कि वो गौरी के बिना नहीं रह सकते। शाहरुख अपनी माँ के बहुत करीब थे, इसलिए उन्होंने ये बात उनसे बताई। शाहरुख की माँ ने उन्हें 10,000 रुपये दिए और कहा कि उसे ढूंढ लाओ। तब शाहरुख अपने कुछ दोस्तों के साथ गौरी को पूरे शहर में ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन गौरी उन्हें नहीं मिली। काफी देर तक ढूंढने के बाद शाहरुख को गौरी एक बीच पर मिली। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और गले मिलकर खूब रोए। तब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होना था। दोनों की शादी के बीच सबसे बड़ा विलेन बना उनका रिलीजन। शाहरुख मुस्लिम और गौरी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी। गौरी के पिता प्योर वेजिटेरियन थे। गौरी के पेरेंट्स इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होते। इसके अलावा शाहरुख उस वक्त फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। शाहरुख और गौरी तो अपने प्यार को शादी में बदलने के लिए तैयार थे, मगर दोनों के धर्म अलग होने की वजह से इनके घर वालों को कड़ी आपत्ति थी। शाहरुख ने गौरी के परिवार वालों को मनाने के लिए खूब पापड़ बेले और उन्हें मनाने में आखिरकार कामयाब हो गए। फिर 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। बाद में इन दोनों का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदी रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों की शादी हुई।